क्या होगा अगर इस दुनिया से जीडे गेम्स गायब हो जाएं? तो फिर क्या टेक्नो गेमर आज इंडिया का नंबर वन गेमर होता? अगर टेक्नो गेमर इंडिया का नंबर वन गेमर ना होता तो फिर कौन होता? और जीडे गेम्स ना होने की वजह से गेमिंग इंडस्ट्री पे क्या फर्क पड़ता? ये है मेरा दोस्त टिल्लू। टिल्लू, मैं तेरे को 200 रुपए फोन पे करूंगा अगर तू टाइम ट्रेवल करके रॉक स्टार वालों को जीडे गेम्स बनाने से रोक देता है। पैसा नहीं चाहिए हमको, तुम 1 नवम्बर पर दिवाली पर पटक का कर दिवा दियो। ठीक है भाई, चलेगा। टिल्लू ने मुझे उस टाइम से लाकर कुछ इन्फॉर्मेशन की लिस्ट दी है, देखते हैं इसमें क्या है। भैया जी, रॉकस्टार को 4 दोस्तों ने मिलकर बनाया था, डेविड जोन्स, रसल के, स्टीव हेमंड, माइक डेली। और तब रॉकस्टार का नाम डीएमए डिजाइन था और इन्होंने एक गेम बनाया है जिसका नाम रेस एंड चेस है, पर लॉन्च करने पर इसका नाम बदल के ग्रैंड थेफ्ट ऑटो रख दिया है। इतनी इन्फॉर्मेशन मिली है, अब आप बताओ मौजूदा इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करके। रॉकस्टार GTA 5 की 20 करोड़ की सेल्स करके नंबर 2 पर डोमिनेट कर रहा है। अगर GTA 5 ना होता तो अभी के टाइम पर 8 करोड़ 29 लाख की सेल्स करके बी स्पोर्ट्स नंबर 2 पर होता और रॉकस्टार इतना फेमस कभी होता ही नहीं। और जिनको लग रहा है रॉकस्टार के पास और भी तो पॉपुलर गेम्स हैं लाइक रेड डेड रिडेम्पशन एंड रेड डेड रिडेम्पशन 2, तो जीडे यूनिवर्स का पहला HD गेम GTA 4 था और GTA 4 के एडवांस रेज इंजन को यूज करके रेड रिडेम्पशन एंड रेड रिडेम्पशन 2 को डिजाइन किया गया था और इसी का यूज करके GTA 5 और अब GTA 6 को बनाया जा रहा है। अगर रॉकस्टार GTA गेम्स ना बनाता तो ये GTA यूनिवर्स का 30% भी कमा नहीं पाता और GTA गेम्स कभी एग्जिस्ट ना करते तो टेक्नो गेमर इंडिया का नंबर 1 यूट्यूबर कभी होता ही नहीं। वो तो अलग बात है, अभी भी नहीं है नंबर 1। एशिया का नंबर 1 यूट्यूबर टोटल गेमिंग है अभी के टाइम पर, बहुत जल्द टेक्नो गेमर टोटल गेमिंग को बीट कर देगा। और टेक्नो गेमर के इतने सब्सक्राइबर इसलिए नहीं होते क्योंकि GTA 5 की वीडियोस पर मिनिमम 25 मिलियन व्यूज आते ही हैं, तो मान लेते हैं 10 मिलियन व्यूवर सिर्फ GTA वाले ही हैं। तो जीडे गेम्स ना होते तो ये 10 मिलियन लोग कभी टेक्नो गेमर को जानते तक नहीं, ना कभी सब्सक्राइबर बनते, तो टेक्नो गेमर के अभी 3,27,00,000 सब्सक्राइबर होते और अभी भी माइनक्राफ्ट की वीडियोस आ रही होती कोई नई स्टोरी फॉर्म में। जीडे गेम्स ना होते तो लेजी असेसियंस के इतने सब्सक्राइबर ना होते और ऑसम जीनोम्स 1 या 2 लाख पे अटका होता एंड लाखों प्लेयर्स के पास गेम्स की ओल्ड मेमोरी बताने के लिए नहीं होती। यूट्यूब पर #GTA80,00,000 वीडियोस में यूज किया गया है और 10 लाख चैनल ने ये यूज किया है, जिससे हम अंदाजा लगा सकते हैं यूट्यूब का लाखों करोड़ों का लॉस होता अगर GTA नेम एग्जिस्ट ना करता। ऐसा नहीं है यूट्यूब नहीं मदद करता है GTA गेम्स की ग्रोथ में, जब क्रिएटर्स GTA की वीडियोस यूट्यूब पर अपलोड करता है तो यूट्यूब बहुत सारी नई ऑडियंस को भी सजेस्ट करता है जिससे GTA गेम में बहुत सारे नए प्लेयर्स इंट्रोड्यूस होते हैं, दोनों के लिए भिन्न भिन्न सिचुएशन बन जाती है। GTA यूनिवर्स एग्जिस्ट ना करता तो गेमिंग इंडस्ट्री में मॉडर्न हाई ग्राफिक एक्शन एडवेंचर गेम कभी तुम एक्सपीरियंस कर ही नहीं पाते। तुम्हें हाई ग्राफिक वाले गेम तो मिल जाएंगे पर वो एक्शन RPG होंगे या एक्शन एडवेंचर होंगे भी, तुम मैन कैरेक्टर एडवेंचर एंड फाइट ही कर पाएगा। बट वहीं तुम GTA 5 में मिनी गेम्स खेल सकते हो, TV देख सकते हो, पार्टी में जा सकते हो और चाओ मोड सेट करके खुद की कैसी भी स्टोरी बना सकते हो। कैरेक्टर, व्हीकल्स, बिल्डिंग ये सब तुम चेंज कर सकते हो, फीचर भी अलग अलग डाल सकते हो, ये शायद ही और किसी गेम में तुम कभी कर पाओगे। इसी वजह से GTA 6 का ट्रेलर मोस्ट व्यूज नॉन म्यूजिक वीडियो बन चुका है। और बताओ जो तुम्हें लगता हो अगर GTA एग्जिस्ट ना करता तो क्या हो सकता था और क्या नहीं, अकॉर्डिंग टू योरसेल्फ। सब्सक्राइब कर लो ऐसी वीडियो देखने के लिए। अब मैं क्या कहूँ, अब टिल्लू ने बता ही दिया है क्या करना है। चलो मैं चलता हूँ।